आज सर बहुत सारी बातें आपने अंदर कही और अनुशासन की बात भी खासतौर पर की, प्रस्ताव बात हुए सर से प्रस्ताव पास हुए हैं आप लोगों ने अधिवेशन के जरिए प्रस्ताव पास किए हैं। देखिए जो सभी प्रस्ताव यूनानिमसली पास हुए हैं और जो सीनियर लीडर्स हैं और वर्कर्स हैं और जो पीसीसी डेलीगेट्स हैं उन सभी ने एक आवाज में सभी जो प्रस्ताव किए उनको पास किया है। और साथ ही सबसे ज़्यादा बात देखने वाली है कि उन्होंने सभी ने कहा कि संगठन को मजबूत करिए और हर जो वक्ता बोला है उसने कहा कि संगठन मजबूत होगा तो कांग्रेस मजबूत है, संगठन मजबूत होगा तो कांग्रेस वापस आएगी। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात जो उन्होंने कही कि जो राहुल जी की यात्रा है उसमें हर कांग्रेसी ने जन जन ने वहाँ उसमें हिस्सा लिया, उनका भी हमने एक प्रस्ताव लाकर धन्यवाद किया और जो योजनाएँ हैं उनको लागू करने के लिए CM साहब को कहा कि और जो लोगों की ज़रूरत है उसको और ज़्यादा पूरा करिए। ये सभी बातें चीफ मिनिस्टर साहब के जो दूसरी योजनाएं हैं उनके बारे में भी अंदर चर्चा हुई है और इनको कहा गया कि जो बजट आएगा उसमें लोगों की जो और बातें हैं उनको सभी को लेकर आए। अनुशासन को लेकर भी आपने बात कही है कि अनुशासन की तो बात जब कोई प्रभारी आता है तो अनुशासन तो कांग्रेस में होना ही चाहिए। देखिए अनुशासन अगर पार्टी घर में भी ना हो तो अनुशासन के अलावा तो कोई घर भी नहीं चल सकता, ये तो फिर बहुत बड़ी पार्टी है तो अनुशासन तो रहेगा, अनुशासन तो रहेगा। और मेरा ख्याल के राजस्थान में अनुशासन जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। हम इसको बिल्कुल डिसिप्लिन को और मैंने देखा अंदर कि अगर इनमें इनडिसिप्लिन होता तो यहाँ आवाज़ उठनी थी, पूरी पार्टी डिसिप्लिन में है और एकजुट है। सर आप दो दिन यही रहेंगे, सीएम उदाहरण भी दिया पंजाब का कि मैंने इनको ये कहा कि अगर कांग्रेस में, मैंने ये भी कहा कि मेरी 100 साल से ऊपर मेरी फैमिली का इस कांग्रेस में है तो हमें अहदे के लिए काम नहीं करना चाहिए, हमें पार्टी को पहले रखना चाहिए, ये मैंने कहा और धैर्य रखना चाहिए। पार्टी सम्मान जरूर देती है अगर जो पार्टी का सिंसियरली काम करता है। सर आप MLA से भी मुलाकात करेंगे, दो दिन यहाँ पर हैं अलग अलग। देखिए मैंने अभी जितने भी PCC डेलीगेट हैं उनमें MLA भी हैं, उनमें XMLA भी हैं, उनमें एक्स प्रेसिडेंट है, सभी से बात करें। सर जिलाध्यक्ष कब तक बन जाएंगे, बाकी बचे दिनों 26 तारीख तक की उम्मीद है? बिल्कुल ये मेरे ख्याल के जल्दी कर देंगे। अभी मैंने मैंने 2 साल, देखिए मेरे को तो अभी 20 दिन हुए हैं प्रभारी बने तो मैं 2 साल की बात को नहीं करूंगा और मैं बहुत जल्दी इसको कंप्लीट कर दूंगा। उन्होंने बहुत लंबी डेट ली है, मैं और नजदीक लेकर आऊंगा। अल्लाह वाली गहलोत सरकार की बड़ी स्कीम से फ्लेक्सिबल की बहुत चर्चा है, प्रचार और प्रसार की कमी रहती है। बिल्कुल मैं यही बात बता रहा हूँ कि एक बहुत छोटी सी बात है पंजाब की, आज मैं वो देख रहा था, वो कोई बात भी नहीं है पर उसका प्रचार ऐसे कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा इवेंट है। जहाँ राजस्थान में मैंने CM साहब से बात की है कि प्रचार जो हमें होना चाहिए था हमारे लिए वो प्रचार की कमी है, जो मीडिया में जाना चाहिए था वो कमी है, हम मार्केटिंग नहीं मैं कहूँगा कि हमने जो काम किया है वो पब्लिक में लेकर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया झूठ बोल रही है उससे ज़्यादा राजस्थान में काम हुआ है। जो योजनाएं वो नहीं कर सके वो योजना गहलोत गवर्नमेंट ने राजस्थान में की है। आपकी मार्केटिंग अच्छी है, कांग्रेस की कहीं कमी रहती नहीं? मार्केटिंग नहीं कहना चाहिए, मार्केटिंग जो दिल्ली वाले करते हैं और आम आदमी पार्टी करती है, हम मार्केटिंग नहीं करते, हम लोगों में जाते हैं और लोगों को
जो स्कीम है उनको बताएंगे और जो और हैं जो हम दे रहे हैं वो भी उनके पास है। आज पीसीसी डेलीगेट्स के साथ में जिलाध्यक्षों के साथ में जो अधिवेशन हुआ उसमें खुले में चर्चा की है, काफ़ी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिला है और चार प्रस्ताव हमने प्रस्ताव पारित किए हैं। एक हमारी जो सरकार की अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का और सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया है। दूसरी हमने केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, जो किसानों के प्रति उनका जो रवैया है उसके लिए हमने उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया है। तीसरा भारत जोड़ो यात्रा जो ऐतिहासिक सफल रही और लोगों में जो उत्साह का संचार हुआ राहुल गांधी जी के यात्रा के दौरान और उन्होंने जो तसल्ली से लोगों की, बड़े बुजुर्ग छोटे महिलाएं सब लोगों की, सब वर्गों की बात जो उन्होंने सुनी है, मैं समझता हूं उसके लिए भी उनका धन्यवाद दिया गया क्योंकि इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा लाभ मिला और आम जन में कांग्रेस की और कांग्रेस की आइडियोलॉजी और हमारे नेता के प्रति बहुत बड़ा जो है वो एक संदेश सकारात्मक गया है। चौथा हमने जो हमें फीडबैक मिले, अब तक जो फीडबैक मिले उसके आधार के ऊपर हमने सरकार को प्रस्ताव पारित करके सुझाव दिए हैं कि इस तरीके से लोगों की जो आशा और अपेक्षाएं हैं उसके ऊपर सरकार जब बजट बनाए तो इसको पूरी तरीके से ध्यान में रखे। तो हमने जो डेट भी डिक्लेयर कर दी और जो 28 तारीख को प्रत्येक महीने की 28 तारीख को 15 किलोमीटर हर नेता हर पदाधिकारी पैदल 15 किलोमीटर चलेगा, जनता के बीच में सुनवाई करेगा, सुनवाई करेगा सरकार की योजनाओं के बारे में, उसको कैसे लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले वो बात करेगा। इन सब चीज़ों के लिए हमने 28 तारीख प्रत्येक महीने की 28 तारीख का ऐलान किया है। अधिवेशन बहुत ही शानदार हुआ। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा कि यही परंपरा जो काम की गई है जिसकी जरूरत है, क्योंकि जो डेलीगेट बनते हैं उनको अपनी बात कहने का मौका मिलता है। ये अधिवेशन कांग्रेस के संविधान के अंतर्गत भी है। आज के जो ये प्रोग्राम रखा गया उससे कई मैसेज आएंगे, क्योंकि बजट आने वाला है तो जो भावना प्रकट की है डेलीगेट ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित करवाए हैं, वो भी हमारे लिए सुझाव हो गए, पब्लिक की तरह ही आधार हो गया बजट के बनाने का भी। तो मैं समझता हूँ कि जिस रूप में कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया, संकल्प लिया कि हम सब मिलकर एकजुट होकर कैसे हम लोग अगले चुनाव की तैयारी भी करेंगे, एक माहौल ऐसा था जिसमें कार्यकर्ताओं ने खुल के अपनी बात भी करी, सुझाव भी दिए और राहुल गांधी की यात्रा है उसको भी वेलकम किया कि कितनी शानदार तरीके से यात्रा निकली और पूरे प्रदेशवासियों ने भागीदारी निभाई उसके अंदर। फॉर्चुनेटली जो बार बार कहते हैं हमने जो कई योजना लागू की फ्लैगशिप, पैसा कहाँ से आएगा? आज आपने देखा होगा जो भारत सरकार के आंकड़े आए हैं उसमें राजस्थान जो है पूरे देश के अंदर GDP डबल डिजिट में आई है, 11.04%। हमसे ऊपर सिर्फ एक राज्य है आंध्र प्रदेश, 11.040%, इतना ही फर्क है। बाकी राज्य तो सबसे नीचे आ रहे हैं, कई राज्य तो सिंगल डिजिट में आए हैं। तो आप सोच सकते हो कितना शानदार मैनेजमेंट है कि GDP जो है उसका आना बहुत मायने रखता है। इस माहौल में जब आर्थिक संकट है देश के अंदर, हालात बड़े गंभीर हैं, बेकारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है और जो कुछ भी आपके सामने है, उसमें GDP का परसेंटेज बढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूती के साथ में हम लोग वित्तीय प्रबंधन करेंगे और कैसे महंगाई की मार को कम कर सकें। जैसे हमने 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात करी है, पेंशन हम दे रहे हैं लोगों को, 1 करोड़ लोगों को पेंशन हम दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःस्वजनों को, किसानों को और उपभोक्ताओं को बिजली में हमने दाम कम कर दिए, किसानों को 1,000 रुपये दे रहे प्रति माह, 46 लाख लोगों को आज बिजली का बिल 0 आ रहा है। उसी पे का मैंने कहा था उस दिन मीटिंग के अंदर
हम प्रयास करें कि हम रसोई की जो मार है महिलाओं पर महंगाई की, वो कम कैसे कर सकें। अगले बजट में हम ट्राई करेंगे, जो आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठ के जो चर्चा हुई है, उस आधार बना के हम चाहेंगे कैसे लोगों को महंगाई के वक्त में निजात दिलाई जा सके। नौकरियों में कमी देने 3,55,000 नौकरियां किसे कहते हैं, प्रोसेस चल रहा है, उसमें कुछ घटनाएं होती है, जो कल घटना हुई, परसों घटना नकल वाली हुई है, बहुत ही मैं समझता हूं कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे मुल्क के हर राज्य में घटनाएं ऐसी हो रही है, आर्मी में हो गई है, राजस्थान में जुडिशरी में हो गई है, अभी 6-8 महीने पहले ही हुई है। तो ये जो है, ये कुछ गैंग बनी हुई है जो जो इस प्रकार हरकत करती है, पर कई राज्यों में हुई है। राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर एक्शन भी होता है, और राज्य में एक्शन नहीं होता, हम लोग जेल में डाल के बैठे हुए लोगों को। तो आप निश्चिंत रहें, हमने कानून पास कर दिया असेंबली के अंदर, जरूरत पड़ेगी तो और उसको कड़ा करेंगे, संपत्ति जब्त करनी होगी, सजा का प्रावधान बढ़ाना होगा, कोई कमी नहीं रखेंगे। पर बच्चों का जो फ्यूचर है, इतने उत्साह से वो लोग आते हैं पढ़ाई करके, एग्जाम की तैयारी करते हैं, और फिर ऐसी घटना हो जाती है, ऐसा समय है, न्याय मिले सबको, ये हमने सुनिश्चित किया। सर, एक जांच की मांग कर रहे हैं।